नमस्कार, आर एन रसोई में आपका स्वागत है। मैं पूजा मिश्रा, मैं बनाने जा रही हूँ मैगी की बिल्कुल नई तरीके की रेसिपी। आपने बहुत तरह की मैगी खाई होंगी, आपने बेक्ड मैगी खाई होगी, फ्राई मैगी खाई होगी और आपने नॉर्मल मैगी भी खाई होगी, सब्जियाँ मिलाए खाई होगी। आज आपको हम स्टीम मैगी बनाकर दिखाएंगे जो कि बहुत ही स्वादिष्ट खाने में है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और आपको ये मैगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलिए कैसे बनाते हैं वो आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में लेंगे हम बेसन, हमने बेसन लिया है 1/4 कटोरी। सूजी 1/2 कटोरी से भी कम है, 2 बड़ी चम्मच हैं। इसमें से ज़्यादा कम हो जाए कोई बात नहीं है, मिला लेंगे दोनों को। अब डालेंगे इसमें हम पानी, पानी हम थोड़ा डालेंगे पहले। हमने अभी ज़्यादा पानी नहीं डाला है इसका, हमने देखिए इस प्रकार से बनाया है घोला भी। अब डालेंगे इसमें हम सब्जियाँ, 1 गाजर उसको हमने छील करके कद्दूकस कर लिया है, पत्ता गोभी उसको हमने बारीक काट लिया है, थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है बस। एक शिमला मिर्च बारीक कटी, एक प्याज बारीक कटी, बड़ी प्याज एक, धनिया के पत्ते बारीक कटे, 1 हरी मिर्च बारीक कटी, 1/2 कप मिलाएंगे हम। इसमें अब हम थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। डालेंगे इसमें हम नमक, आधी चम्मच हल्दी, छोटी आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधी चम्मच है कुटी काली मिर्च, छोटी आधी चम्मच, 1/2 कप मिलाएंगे। हम लेंगे मैगी, हमने 2 पैकेट मैगी के लिए हैं, उसको हमने बिल्कुल हाथों से क्रश कर लिया है। देखिए इस तरह से कर लेना है हमें मैगी को, बिल्कुल तोड़ लेना है मैगी को हमें। इसमें डाल देंगे हम, अब डालेंगे इसमें हम साथ ही 2 पैकेट मैगी मसाला। मिलाएंगे सबको एक बार। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब अच्छे से मिलाएंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे, हम कोई सा बर्तन ले सकते हैं, स्टील का कटोरा या कुछ भी। मैंने केक टिन लिए, इसमें हमने डाल दिया 1 चम्मच ऑयल, इसको हम पूरे में अच्छी तरह से लगा देंगे। इसमें हमने तेल लगा दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इनो, हमने 1 पाउच इनो का लिया है, मिलाएंगे अच्छे से। अब हम कर देंगे इस बर्तन में इसको, पूरे में फैला देंगे। मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया है, कढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत हैवी है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी कढ़ाई चाहिए तो इसका हमने लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया है, आप आसानी से मंगा सकते हो उसे अमेजोन से। पानी गर्म हो गया है, हम इसको रख देंगे इसमें। हमने इसमें एक स्टैंड भी रख दिया है। अब इसको हम ढक देंगे और मीडियम गैस पे इसको हम 20 मिनट के लिए बनने देंगे। अभी आधी बनी है, इसको हमने भी 10 मिनट के लिए बनाया है। अब डाल देंगे इसके ऊपर हम चीज़। हमने चीज़ को ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से। आधा बनने के बाद डालेंगे इसमें चीज़ हम। चीज़ आपके ऑप्शनल है, आपको नहीं डालनी हो तो आप मत डालिएगा। अब इसको हम फिर से ढक देंगे। चीज़ से मैगी बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से बनाएंगे। अब इसको फिर से हम धीमी गैस पे उसी प्रकार से बनने देंगे 5 मिनट के लिए। और देखिए चीज़ मेल्ट हो गई है थोड़ी सी। अब डाल देंगे इसमें हम कुटी हुई काली मिर्च ऊपर से। और डाल देंगे हम कुटी लाल मिर्च। अगर आपको नहीं डालनी है तो आप मत डालिएगा। फिर से इसको हम ढक देंगे और 2 मिनट के लिए धीमी गैस पे होने देंगे। देखिए कितनी अच्छे से मेल्ट हो गई है चीज़। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको हम निकाल लेंगे इसमें से। अब लीजिए तैयार है स्टीम मैगी, बहुत अच्छी बनी है। इसको आप गरम गरम ही खाइए, गरम गरम सर्व कीजिए। चाहे तो इसको आप काट लीजिए चाकू से और चाहे तो इसको आप ऐसे ही चम्मच से निकाल करके सर्व कर दीजिए। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे करिए। आपको हम दिखाते हैं सर्व करके। हम चाकू से थोड़ा सा काटेंगे इसको बस। आपको जैसे मन चाहे वैसे निकाल सकते हैं आप। अब हम निकाल लेंगे। देखिए देखिए कितनी अच्छी बनी है मैगी, स्टीम्ड मैगी। देखिए खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तैयार है मेरी स्टीम्ड मैगी। और अगर आपको आज की मेरी मैगी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।